हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्लास में हम लोग डायमेंशन और डायमेंशन क्या एप्लीकेशन क्या है, उसका ड्रॉबैक क्या है डायमेंशन एनालिसिस का, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हम क्या पढ़ेंगे कि एरर है ना, कि एरर क्या होता है और एरर को हम मेजर कैसे करते हैं, है ना, कितने टाइप का एरर होता है। अभी हम इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी, लेकिन एरर का जो डेफिनेशन है बेसिकली क्या होता है, यही होता है, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि एरर और टाइप्स ऑफ एरर, है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यदि कोई भी क्या है फंक्शन दिया हुआ है, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है जो सम के फॉर्म में हो, प्रोडक्ट के फॉर्म हो, तो हम एरर को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो एरर बेसिकली होता क्या है कि देखो, एक तो होता है ट्रू वैल्यू होता है, और एक क्या करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हम क्या करते हैं उसका वैल्यू मेजर करते हैं। तो बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जिसके वजह से क्या होता है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू क्या होता है मैच नहीं करता है, है ना, क्या होता है मैच नहीं करता है। क्या होता है कि ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू क्या हो सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है और क्या हो सकता है कम भी आ सकता है, है ना। तो ये जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू या ऑब्जर्व वैल्यू जो ऑब्जर्व करते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड एरर। क्या होता है एरर, क्या होता है डिफरेंस बिटवीन, है ना, क्या होता है डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर, ठीक है। तो एरर क्या होता है कि जो हम मेजर्ड वैल्यू होता है और डिफरेंस जो ट्रू वैल्यू होता है उनका जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं एरर बोलते हैं। अब एरर को अपना काम क्या होता है, एरर को क्या करना, मिनिमाइज करना, है ना, कि हम एरर को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना। तो कुछ एरर, अब एरर को कई टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहले तो ये डिवाइड किया है कि एरर जो है वो क्या है, उसका कॉज अपने को मालूम है या नहीं है, कॉज ऑफ एरर, है ना, और एक होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। तो एरर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कॉज ऑफ एरर और क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। तो कॉज ऑफ एरर में क्या होता है, दो टाइप्स के एरर होते हैं, जिसको एक को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर और दूसरे को हम क्या बोलते हैं रेंडम एरर। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि एरर्स इज डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ एरर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। तो कॉज ऑफ एरर में क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ एरर देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, वन इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर एंड अदर इज कॉल्ड रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर में क्या होता है कि इसका कॉज अपने को क्या होता है मालूम होता है। तो आपको ही मालूम है कि यदि किसी भी एरर का कॉज मालूम है तो उसको हम क्या कर सकते हैं मिनिमाइज भी कर सकते हैं और कंप्लीटली क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कंप्लीटली हम क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं। तो वैसा एरर जिसका कॉज अपने को क्या हो मालूम हो, दोज एरर्स व्हिच कॉज आर नोन टू अस आर कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। सिंस द कॉज ऑफ सिस्टमैटिक एरर आर नोन टू अस, हेंस इट इज इजियर टू मिनिमाइज द सिस्टमैटिक एरर और रिमूव द सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। जैसे आप देखोगे आगे हम पढ़ेंगे कि जब हम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मेजर करते हैं तो कभी कभी क्या होता है हम एयर ड्रैग, एयर जो रेसिस्टेंस फोर्स होता है ना, उसको नहीं कंसीडर करते हैं, लेकिन एयर रेसिस्टेंस होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो उसके वजह से क्या होगा कि टाइम पीरियड जब आप सिंपल पेंडुलम का मेजर करोगे तो उसमें आपको क्या होगा एरर मालूम होगा। तो अपने को मालूम है कि बिकॉज ऑफ एयर रेसिस्टेंस क्या है कि इसमें क्या हो रहा है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो डिफरेंट आ रहा है। तो हम यदि एयर रेसिस्टेंस के को क्या करेंगे उसके उस अकाउंट कर लें, उसको कंसीडर करके फिर हम क्या करें मेजर करेंगे तो क्या होगा एक्यूरेट रीडिंग आ सकता है। उसी तरह क्या है चेंज इन टेम्परेचर हुआ, चेंज इन प्रेशर हुआ, तो ये सब क्या है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर के वजह से क्या होता है इसमें एरर आता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल मेजरमेंट के वजह से। अब ये क्या होता है रेंडम एरर जो होता है इसका कॉज जो होता है अपने को मालूम नहीं होता है, है ना। Those errors whose cause are not known to us, such errors are called random error. Random error को हम completely remove नहीं कर सकते हैं लेकिन minimize कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं minimize कर सकते हैं। तो आप किसी भी measurement
कि एरर को मिनिमाइज करना है, रेंडम एरर है उसको मिनिमाइज करना है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ रीडिंग जो है या नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यू क्या है, लार्ज नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यू ले लो और क्या करो उसका मीन अरिथमेटिक मीन ले लो। तो जो देखा गया है एक्सपेरिमेंटली ये चीज देखा गया है कि जो मीन वैल्यू होता है वो क्या होता है मोर एक्यूरेट रीडिंग को क्या करता है, शो करता है। तो इफ यू वांट टू मिनिमाइज द रैंडम एरर है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो रीडिंग लेना पड़ेगा वो लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स लेना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा उन सबका मीन वैल्यू ले लो। तो जो मीन वैल्यू आता है वही क्या होता है मोर एक्यूरेट रीडिंग होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ मैंने लिखा है कि रैंडम एरर जो होता है कॉज ऑफ सच एरर्स आर नॉट नोन टू अस, हेंस दिस एरर्स कांट बी रिमूव्ड बट इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, क्या होगा बाय टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और रीडिंग। ठीक है, तो यहां देखा गया है कि क्या होगा, इट इज ऑब्जर्व्ड है ना कि द मीन वैल्यू ऑफ लार्ज क्या होगा, यहां मैं लिख देता हूं इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द मीन वैल्यू मीन वैल्यू ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू इज मोर क्लोजर टू एक्यूरेट रीडिंग। ठीक है, ये देखा गया एक्सपेरिमेंटल। अब मीन वैल्यू, अरे आपको भी मालूम है कि मीन वैल्यू, यदि हम इसको क्या बोलेंगे मीन वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, हमने ऑब्जर्वेशन लिया, मान लो कि फर्स्ट में रीडिंग क्या मिला A1, दूसरे में क्या मिला A2, तीसरे में क्या मिला A3 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाई क्या होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ रीडिंग। ठीक है, तो ये चीज क्या है, इसका रैंडम एरर जो होता है उसको हम कंप्लीटली क्या कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कंप्लीटली हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, बट उसको हम क्या कर सकते हैं मिनिमाइज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है ध्यान दें, दिस इज क्या होगा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन एंड सो ऑन, एन क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, दूसरा जो क्या है ऑन द बेसिस ऑफ, आई मीन सेकेंड जो क्या है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा एरर्स। ठीक है, एरर्स आर डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स, ठीक है, तीन टाइप्स में क्या किया गया है इसको डिवाइड किया गया, कितने टाइप में डिवाइड किया गया है तीन टाइप्स में, कौन कौन सा है, एक होता है एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर, और एक को बोलते हैं रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां क्या है जो ऑन द बेसिस ऑफ, पहला क्या है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, दूसरा क्या है मीन एब्सोल्यूट एरर, और थर्ड जो है क्या है रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, क्या बोलते हैं इसको रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर।
ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है उसको हम देखेंगे, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है उसको हम देखेंगे, फिर हम क्या देखेंगे रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर, क्या देखेंगे हम रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर क्या होता है उसको देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा है मीन एरर, है ना, तो ये क्या होता है डिफरेंस बिटवीन क्या होगा मीन वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, क्या होता है डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड एब्सोल्यूट वैल्यू, सॉरी मीन वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड क्या होगा डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू ऑफ एनी मेजरमेंट माइनस सॉरी एनी मेजरमेंट एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड क्या होगा एब्सोल्यूट एरर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, पहले जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर को हम क्या चीज से डेल्टा ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे डेल्टा ए, ठीक है। तो ये क्या है इसको हम लिख सकते हैं इट इज द डिफरेंस, क्या होगा इट इज द डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू मीन वैल्यू एंड एंड क्या होगा मेजर्ड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड इट इज द डिफरेंस बिटवीन क्या होगा मीन वैल्यू एंड क्या होगा मेजर्ड वैल्यू, सिंपल याद रखना है इट इज। यदि हमने एक कोई क्वांटिटी है जिसको हम क्या कर रहे हैं रीडिंग ले रहे हैं, तो इट इज सिंपली यहां इट इज डिनोटेड एज डेल्टा ए, सिंपल। तो डेल्टा यहां क्या होगा डेल्टा ए वन इक्वल टू क्या होगा आप बता सकते हो, देखो ए एम माइनस ए वन यही होगा, ये क्या होगा मीन वैल्यू होगा, है ना। मीन वैल्यू क्या मतलब जितने रीडिंग हम ले रहे हैं उन सबका मीन वैल्यू, देखो यहां मैंने बताया कि मीन वैल्यू कैसे मेजर करेंगे सम ऑफ रीडिंग्स डिवाइडेड बाय क्या होगा नंबर ऑफ रीडिंग, हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग, हाउ मेनी टाइम्स टाइम यू आर टेकिंग द रीडिंग, ठीक है। तो डेल्टा वन क्या हुआ कि एब्सोल्यूट एरर इन क्या होगा फर्स्ट रीडिंग, ठीक है। उसी तरह क्या होगा डेल्टा ए टू इज इक्वल टू क्या होगा ए एम माइनस क्या होगा ए टू, डेल्टा ए थ्री इज इक्वल टू क्या होगा एम माइनस ए थ्री एंड सो ऑन, डेल्टा ए एन इज इक्वल टू क्या होगा ए एम माइनस क्या होगा एम, ठीक है। तो दीज आर एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और मीन एब्सोल्यूट एरर का क्या होगा कि इनका मीन वैल्यू हम ले लें, है ना। तो अब आसानी से क्या होगा अपने को मालूम चल जाएगा, फिर इसमें हम न्यूमेरिकल देखेंगे। तो समझ में आया ना, ये क्या होगा डेल्टा ए वन मीन एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग वन फर्स्ट रीडिंग, डेल्टा ए टू का मतलब क्या हुआ मीन एब्सोल्यूट, देखो यहाँ ए वन ए टू क्या है रीडिंग है मेजरमेंट इन रीडिंग, है ना, कि हमने फर्स्ट रीडिंग में अपने को ए वन मिला, सेकंड रीडिंग में ये मेजर्ड वैल्यू है, दीज आर मेजर्ड वैल्यू और दीज आर दिस इज नथिंग बट द मीन वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने भी नंबर ऑफ रीडिंग लोगे उसमें मेजर्ड वैल्यू है, दीज ऑल आर मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो पहले क्या करना है कि यदि डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग दिया हुआ है तो उसका मीन वैल्यू निकाल लो, मीन वैल्यू जैसे ही आपको मालूम चल गया तो आप क्या करोगे उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करो, एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करो। एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट करोगे तो ये मैंने बताया। अब होता है क्या कि अब जो दूसरा क्या है मीन एब्सोल्यूट एरर, दूसरा क्या दिया हुआ है मीन या इसको एवरेज मीन एब्सोल्यूट एरर, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट इज क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ यहां लिख सकते हैं मैग्नी सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऐसे लिखेंगे सम नहीं इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ऐसे लिख देंगे इट इज द मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हैं द मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ
मीन वैल्यू ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर, इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखो, यदि डेल्टा ए एम, इसको मीन एब्सोल्यूट एरर बोलूं तो क्या हम लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड लेना है इसका, आई मीन मॉड लेना है आपको, है ना। जितने भी क्या है ऑल एब्सोल्यूट एरर जो है उनका क्या है, मैग्नीट्यूड का मीन ले लो। तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा ए वन प्लस क्या होगा, डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री प्लस, है ना, डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, ठीक है। तो यही क्या हुआ आपका, मीन एब्सोल्यूट एरर मालूम चल गया, दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आपसे पूछा जा सकता है कि क्या मीन एब्सोल्यूट एरर जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव हो सकता है कि नहीं। मीन एब्सोल्यूट एरर जो होगा ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखो ध्यान से, अरे ये सब क्या है, पॉजिटिव है यार, ये मॉड का मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव आया पॉजिटिव है, इसका मॉड लेने के बाद क्या होता है, क्वांटिटी क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, क्वांटिटी जो होता है वो क्या होता है, क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि मीन एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर जो होगा ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं मीन नोट में यहां लिख देता हूं, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि फाइनल जो मेजरमेंट का रिजल्ट होगा वो क्या हो सकता है, तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां लिख देना है कि अब क्या होगा कि मीन वैल्यू प्लस माइनस ही हो सकता है। रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, मीन वैल्यू प्लस माइनस क्या हो सकता है, मीन वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस। हमने क्या किया, कोई ए क्वांटिटी कंसीडर किया, उसको हमने क्या किया, मेजर किया, तो फाइनल जो रीडिंग होगा, फाइनल रीडिंग जो होगा वो क्या होगा, आई मीन क्या होगा, फाइनल रीडिंग इक्वल टू क्या होगा, ए एम प्लस माइनस क्या होगा, डेल्टा एम, है ना। आई मीन मेजरमेंट ऑफ एज होगा, आई मीन मेजरमेंट इन एज होगा वो क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, लाई बिटवीन क्या होगा, ए एम माइनस क्या होगा, डेल्टा एम, एंड क्या होगा, ए एम प्लस क्या होगा, डेल्टा एम, इसी के बीच क्या हो सकता है, इसका रीडिंग लाई कर सकता है, क्या कर सकता है, इसी के बीच इसका रीडिंग। जब आप न्यूमेरिकल कैलकुलेट करोगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा, अभी लग रहा होगा कि ये कैसे इसके बीच लाई करेगा, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि हम ये जो वैल्यू होता है, ए का जो वैल्यू होगा इसी के बीच क्या होगा, लाई कर जाएगा। ठीक है, अगला जो क्या मैंने बताया था कि रिलेटिव एरर, और इसी को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर, क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव एरर एंड क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर। तो अगला जो पॉइंट है वो क्या है, थर्ड जो है इसमें क्या है, रिलेटिव एरर। अभी हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे, रिलेटिव एरर और इसी को क्या बोलेंगे, और फ्रैक्शनल एरर।
फ्रैक्शनल एरर. तो क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू एरर, सॉरी मीन वैल्यू. इट इज द रेशियो ऑफ, इसको हम क्या डिफाइन करेंगे, इट इज द क्या होगा, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर. इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू. मीन वैल्यू ऑफ, मीन वैल्यू ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यू. ठीक है, तो रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर जब आप कैलकुलेट करोगे तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे. तो यहां क्या होगा, यहां लिख सकते हैं रिलेटिव एरर और क्या लिखेंगे, फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ए एम अपॉन क्या होगा, एम. यही होगा. ठीक है, क्या होगा, डेल्टा ए एम, ए एम का मतलब क्या होगा, मीन या है ना, अपॉन क्या होगा, ए एम. ठीक है, यही वैल्यू. अब क्या होगा, कभी कभी क्या होता है कि परसेंटेज रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर सिंपल पूछा जाता है. क्या पूछा जाता है, परसेंटेज एरर. तो यहां लिख देते हैं परसेंटेज एरर इज इक्वल टू क्या होगा, रिलेटिव एरर इनटू क्या होगा, 100. और ये कितना होगा, डेल्टा ए एम अपॉन क्या होगा, एम इनटू क्या होगा, 100. तो ये जस्ट आपको पूछा जाएगा, जनरली कभी कभी पूछा गया है, लेकिन जनरली इसके बाद जो हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो पहले क्या करना है, मीन एरर, मीन वैल्यू निकाल लेना है, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर निकाल लेना है, उसके बाद मीन निकाल लेना है, और फिर आपसे कोई पूछे कि वैल्यू देखो इसका मतलब क्या हुआ, कि मेजर्ड जो वैल्यू होगा वो आपको यदि ये मालूम है, ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यदि ये कैलकुलेट कर लिए हो तो डायरेक्ट इसका वैल्यू चेक कर लो कि इस और इसके बीच किस में लाई कर रहा है, वही क्या होगा, मोर एक्यूरेट रीडिंग. जैसे हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे, है ना, और पहले एक न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर इसके बाद कुछ पॉइंट पढ़ेंगे. ठीक है, तो न्यूमेरिकल देखो क्या दिया हुआ है. न्यूमेरिकल दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ ए वायर एज मेजर्ड बाई ए स्क्रू गॉज. देखो द क्या होगा, एग्जाम्पल देखो कैसे हम सॉल्व करें. द डायमीटर ऑफ ए वायर measured by a screw गॉज. ये आगे पढ़ना है आपने को. ठीक है, स्क्रू गॉज क्या होता है उसके बारे में पढ़ें. Found to be. अब देखो कितने found to be क्या है, देखो दिया हुआ है 2.620, उसके बाद दिया हुआ है 2.625. ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है 2.628 एंड 2.626 सेंटीमीटर. ठीक है, क्या दिया, 2.620, 2.625, 2.630. हमने यहाँ 2.630, 2.628 एंड 626 सेंटीमीटर. ठीक है ना, ये रीडिंग दिया हुआ है. कैलकुलेट
कैलकुलेट, पहले देखो क्या दिया हुआ है, मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर, मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर, ठीक है। सेकंड जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, ईच मेजरमेंट, ठीक है। थर्ड जो है वो क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट, देखो अभी जितने भी हमने रिजल्ट पढ़ा सब एक न्यूमेरिकल से हम देख लेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल एरर, और उसके बाद एक जो अगला जो पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म ऑफ परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, उसके बाद भी जो है क्या है, परसेंटेज एरर, और ये जो है लास्ट में एक्सप्रेस, एक्सप्रेस रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर, ठीक है। तभी हमने देखा था कि मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट इन ए क्या था, अभी मैंने बताया था क्या था, A1 प्लस A2, आई मीन जितने भी रीडिंग है सबको क्या करो, तो पहले हम लिख देते हैं मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर क्या है, ठीक है। देखो क्या होगा, अब इसको हम डी मीन भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी मीन, डी स्टैंड फॉर डायमीटर, तो डी मीन इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ टोटल रीडिंग डिवाइडेड बाई क्या होगा, कितने रीडिंग है देखो, 1, 2, 3, 4, 5, तो D1 आई मीन फर्स्ट रीडिंग, D2 सेकेंड रीडिंग, D3 थर्ड रीडिंग, D4 फोर्थ, D5 फिफ्थ रीडिंग, है ना। तो कितना रीडिंग है, 5, डिवाइडेड बाई क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ, तो ये कितना है, यहाँ n लिख देता हूँ, प्लस लिख दिया, ठीक है। तो DM कितना होगा, मीन वैल्यू ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर, मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग ऑफ डायमीटर, सेकंड रीडिंग, अब फर्स्ट रीडिंग क्या है देखो, 2.62 प्लस 2.625 प्लस 2.628 प्लस 2.6 प्लस 2.628 प्लस 2.6263, यही है ना, डिवाइडेड बाई क्या है, कितने रीडिंग है यार, कितने रीडिंग है देखो ध्यान से, 5 रीडिंग है, तो हमने क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया, ये तुमको डी मीन मालूम चल जाएगा। डी मीन कितना होगा, ऐड करो देखो, 8, 6, 14 और 5 19 कितना होगा, 9, ठीक है, देखना कहीं मिस्टेक भी हो सकता है ना। उसके बाद 3, 4, 4 और 2, 6, 6 और 2, 8, 8 और 2, 10, 10 और 2, 12, ठीक है। उसके बाद 2, 4, 6, 8, 10, 11 बाई कितना हुआ, 5, ठीक है। आई थिंक 11 बाई कितना होगा, ओ ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, 2.6258, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, 2.6258 सेंटीमीटर। तो DM मालूम चल गया आपने, DM इज इक्वल टू कितना हुआ, आई मीन मीन वैल्यू ऑफ मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर जो मालूम चल गया, 2.6258 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मालूम चल गया।
अब अपने को क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। तो हमने ये भी देखा था कि एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट हम कैसे कैलकुलेट करें, कैसे कैलकुलेट करेंगे यार। देखो तो मेजरमेंट एब्सोल्यूट एरर इन, हम यहाँ लिख सकते हैं, देखो अभी फर्स्ट का आंसर, सेकंड जो है सेकंड क्या है, मीन एब्सोल्यूट। देखो तो डेल्टा क्या होगा, डेल्टा डी वन का मतलब क्या होगा, कि मीन एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग डी वन। तो मैंने कैसे बताया था, देखो तो डी एम माइनस क्या लिखेंगे डी वन, तो ये कितना होगा, देखो यहाँ से वैल्यू रख दो तो कितना आएगा, डी वन कितना है 2 पॉइंट क्या है, देखो इसको हमने डी वन मान लिया है, ए डी वन, दिस इज डी टू, कोई वैल्यू रख लो यार कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, हमने इसको डी वन मान लिया, डी वन, इसको डी टू, इसको डी थ्री, इसको डी फोर, और इसको क्या माना डी फाइव, ठीक है। तो D1 कितना होगा, देखो तो मीन 2.6258 माइनस कितना होगा 2.620, एंड इफ यू कैलकुलेट दिस तो ये आपको कितना मिलेगा, ये भी मैं लिख देता हूँ, पॉइंट ये क्या होगा प्लस 0.006, कितना मिल रहा है 0.006, ठीक है। उसी तरह डेल्टा डी टू आप कैलकुलेट करोगे क्या होगा, डी एम माइनस क्या हो जाएगा डी टू, ठीक है, डी एम माइनस क्या हो जाएगा डी टू। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, देखो यहाँ वैल्यू रख करके तुम कैलकुलेट कर लेना, ये जो आएगा वो कितना का 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद अगला जो है वो क्या है, देखो डेल्टा डी थ्री, डी थ्री हमने किसको माना है, इसको माना है, तो ये जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, देखो डी एम माइनस क्या हो जाएगा डी थ्री इज इक्वल टू क्या होगा, एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, सेम ही आएगा यहाँ, ये कितना हो जाएगा देखो 0.0001 कुछ तो ऐसे आएगा, है ना, 0.0 नहीं, इसको हम राउंड अप कर सकते हैं, 5 से ज़्यादा है तो इसको देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना राउंडिंग अप 2.625, आई मीन 5 नहीं होगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ जब एरर लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा 0.0 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह डेल्टा डी फोर लिखोगे तो ये कितना आएगा, डेल्टा डी फोर, देखो तो मी एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग डी फोर, तो कितना हो जाएगा डी एम माइनस क्या हो जाएगा डी फोर, और ये कितना होगा, डी एम कितना है देखो 626, ठीक है, माइनस कितना है 2.628 इज इक्वल टू, देखोगे तो ये कितना हो जाएगा -0.002 सेंटीमीटर, यही होगा ना, ठीक है। एक और रीडिंग है डेल्टा डी फाइव, तो ही जब आप लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 आएगा, तो डी एम माइनस डी फाइव लिखोगे तो क्या होगा -0.004 सेंटीमीटर। तो ये सब क्या हुआ, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ऑल रीडिंग अपने को क्या मालूम चल गया। अब इसका मैं डायरेक्टली रिजल्ट इसका अब क्या करना है, उसके बाद क्या कैलकुलेट करना था, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से, डेल्टा डी मीन यही हुआ ना, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, डेल्टा डी वन का मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा डी टू का मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा डी थ्री का मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा डी फोर का मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा डी फाइव का मैग्नीट्यूड अपॉन क्या होगा 5। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर जो आएगा वो क्या होगा 0.003 ये आएगा डेल्टा डी, ठीक है। अब आपको मालूम चल गया कि जो रीडिंग होगा वो एक डायमीटर का जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा,
ए आपको मालूम चल गया, ठीक है, कि अब आप डायमीटर का रीडिंग लिख सकते हो क्या होगा, ए मीन प्लस माइनस ए होगा, है ना। फाइनल जो रिजल्ट होना चाहिए क्या होना चाहिए, ए मीन प्लस माइनस डेल्टा डी एम। अब आपको क्या निकालना है, इसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, इसको राउंड अप किया गया है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो ये उसके बाद पढ़ना है रिलेटिव, रिलेटिव आई मीन क्या है फोर्थ में, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, एरर इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा डी एम अपॉन क्या होगा, डी एम यही होगा, और डेल्टा डी एम अपॉन डी एम कितना होगा, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो फ्रैक्शनल एरर जो हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ये आपको ध्यान देना है, है ना। उधर मैंने लिखा नहीं था, तो ये क्या होगा प्लस माइनस, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0.003 अपॉन क्या लिख सकते हैं डी एम, डी मीन कितना है, ये कितना आएगा, डी मीन का वैल्यू रखोगे तो डायरेक्ट रख दो पॉइंट, आई मीन कितना है 0.6, आई मीन 2 पॉइंट कितना था डी एम, नहीं एम कितना था ये देखो, डायरेक्ट रखोगे तो ये कितना आएगा प्लस माइनस 0.001, इसका वैल्यू डायरेक्ट रख देना तो प्लस माइनस 0.001 आंसर। और परसेंटेज एरर जब लिखोगे तो आपको ही मालूम है कि हम क्या करेंगे 100 से, तो अगला जो है वो क्या है, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 0.001 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, देख रहे हो ना 20, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 0.1% आ जाएगा, यही होगा ना प्लस माइनस 0.1, ठीक है। अब जब डायमीटर आपको कोई पूछे कि इसके टर्म में लिखने के लिए, तो मीन वैल्यू हम लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, तो फाइनल जो रिजल्ट आपको पूछा गया है कि डायमीटर को किसके टर्म में एक्सप्रेस करना है, परसेंटेज एरर के टर्म में, तो ये कितना होगा आप देख सकते हो, डायमीटर ऑफ द क्या होगा, ऑफ द वायर इज इक्वल टू क्या होगा डी मीन प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0.1%, और ये डी मीन कितना है हमने कैलकुलेट किया था, आई थिंक देखो यहाँ 2.626 प्लस माइनस क्या हुआ, यही एरर हुआ परसेंटेज एरर, याद रखना है। ये क्या हुआ तुमको डायमीटर, ये आपको मालूम रखना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन जो होगा इस टाइप से दिया रहेगा तो आपको उसमें एरर ढूंढना रहता है, ये जो होता है वो एक्यूरेट वैल्यू होता है और ये जो होता है वो क्या होता है एरर होता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे इससे जो न्यूमेरिकल्स होगा, और अभी हम क्या पढ़ेंगे कम्बिनेशन ऑफ एरर, है ना, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे आप एरर्स कम्बिनेशन ऑफ एरर, तो ये आपको क्या करना है, ये मालूम रखना है कि हम कैसे इसको एब्सोल्यूट एरर किसी भी मेजरमेंट में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, मीन वैल्यू ऑफ और एरर कैलकुलेट कर लो, उसके बाद इसको जैसे जैसे मैंने बताया वो चीज़ आपको क्या करना है माइंड में रखना है। अभी हम क्या करेंगे एरर इन सम एंड डिफरेंस, ठीक है, क्या पढ़ेंगे अभी आगे जब हम पढ़ेंगे कम्बिनेशन ऑफ एरर, तो कम्बिनेशन ऑफ एरर जो होगा वो कई पार्ट्स में होगा, अभी हम देखेंगे वन बाई वन। ठीक है, तो यहां हम पढ़ेंगे अगला जो पॉइंट है वो क्या है कम्बिनेशन ऑफ एरर, कम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो पहला जो इसमें ए पॉइंट होगा कि एरर इन सम एंड क्या होगा डिफरेंस, इसको आपको समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से कि मान लो कि ये कोई क्या है क्वांटिटी वाई है ना, ठीक है, और y जो दिया हुआ है वो ऐसे दिया हुआ है a प्लस माइनस b के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है इसमें मैक्सिमम एरर क्या होगा y में, a और b में एरर दिया हुआ होगा तो इसमें कितना एरर होगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में देखना है, ठीक है। क्या है
देखना है। अब हम क्या करेंगे, यदि इसमें कुछ एरर होगा, इसमें भी क्या होगा, कुछ एरर होगा, और ऑफकोर्स क्या होगा, इसमें भी कुछ एरर होगा, तो हम इसको कैसे सोचेंगे। देखो ध्यान से, यदि मान लें यहाँ कि, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि लेट, देखो ध्यान से, लेट क्या होगा, डेल्टा एक्स सॉरी डेल्टा वाई इज क्या होगा, एरर इन मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ क्या होगा वाई, डेल्टा ए क्या होगा, एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, और डेल्टा बी जो होगा वो क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो फाइनल एरर ए इक्वेशन क्या हुआ, वन हो गया, देखो ध्यान से, है ना। तो अब आप क्या लिखोगे, वाई ए प्लस माइनस फाइनल रिजल्ट क्या लिखोगे, तो यहाँ क्या लिखोगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, यही हो सकता है ना यार, इधर ए से क्या होगा, ज्यादा हो सकता है और क्या हो सकता है, कम हो सकता है, तो फाइनल वैल्यू यही होगा ना, प्लस क्या होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको क्या करना है, इसका वैल्यू अब डिफरेंस लाना है, तो यहां से देखो इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा, देखो ध्यान से, तो डेल्टा हम लिख सकते हैं नाउ, नाउ फर्स्ट आई मीन क्या होगा, सेकंड माइनस क्या हो जाएगा, फर्स्ट, तो सेकंड माइनस फर्स्ट होगा तो लिखोगे वी गेट कितना मिलेगा, देखो ध्यान से, प्लस माइनस डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ए, ठीक है, क्या होगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, है ना, फिर क्या लिखेंगे, प्लस माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी माइनस क्या लिखेंगे, ए प्लस माइनस क्या होगा, बी, यही होगा ना। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से लिख सकते हो, देखो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ए, ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डेल्टा, देखो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वाई इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा, प्लस माइनस क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए प्लस माइनस क्या होगा, डेल्टा बी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा बी हो जाएगा। और मैक्सिमम एरर यदि आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम एरर कितना होगा, तो हमको क्या करना है, ऑलवेज हम क्या लेते हैं, माइनस, तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा वाई क्या होगा, मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस क्या होगा, डेल्टा बी, आई मीन क्या होगा, एरर, मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ एरर इन ए एंड बी, यही हुआ ना, क्या होगा कि नेट एरर इन क्या होगा, ए इज सॉरी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए एंड बी, तो हम लिख सकते हैं यहां, लिख सकते हैं, तो क्या होगा, हम लिख सकते हैं यहां कि एरर क्या होगा, एरर इन मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ y is sum of, क्या होगा, sum of error, sum of error in क्या होगा, measurement, measurement of a and क्या होगा, and b, ठीक है, आई मीन सम ऑफ एरर इन क्या होगा, ए एंड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए एंड बी हो, जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि एग्जांपल देखो कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चंस कि द वॉल्यूम ऑफ ए टू बॉडीज आर मेजर्ड इन, ठीक है, देखो क्या है, यहाँ दिया हुआ है द, क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए टू बॉडीज आर मेजर्ड
आर मेजर्ड मेजर्ड टू बी वी वन इज इक्वल टू क्या है, देखो ध्यान से, टेन कैसे, 10.2 प्लस माइनस क्या होगा 0.02 सेंटीमीटर क्यूब, यही है, है ना। एंड एंड वी टू जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 6.4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, कोई डाउट नहीं है इसमें। आपको क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द सम एंड डिफरेंस इन वॉल्यूम विथ एरर लिमिट। तो यहां दिया हुआ है कैलकुलेट कैलकुलेट द क्या होगा, सम एंड डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस इन वॉल्यूम्स इन वॉल्यूम्स विथ एरर लिमिट, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, वी वन दिया हुआ है ना, उसके बाद वी वन वी टू तुमको दिया हुआ है ना, सम एंड डिफरेंस आपको कैलकुलेट सम एंड डिफरेंस इन वॉल्यूम विथ एरर। तो पहले देखो ये क्या हुआ, एक्यूरेट वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। पहले आपको ये देखना है कि ये क्या है, देखो दिस ये क्या हुआ एक्यूरेट वैल्यू, और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द एरर। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि इसको वी नॉट वन मान लेते हैं, ठीक है। ये देखो ध्यान से, वी वन इज इक्वल टू क्या है, 10.2 प्लस माइनस पॉइंट क्या दिया हुआ है, 0.2। तो दिस इज नथिंग बट द एक्यूरेट वैल्यू, और ये क्या है, रीडिंग है, सॉरी एरर है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, दिस इज डेल्टा वी वन, ठीक है, है ना। तो यहां हम यदि देखें, ऐसे भी हम सोच सकते हैं, देखो क्या है कि वी वन इक्वल टू हम यदि लिखें तो वी वन इक्वल टू ए हो गया, उसी तरह क्या है वी टू इक्वल टू क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वी टू इक्वल टू दिया हुआ है आपको क्या, 6.4 प्लस माइनस 0.01, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। यहां भी क्या है, सेंटीमीटर क्यूब दिया। तो दिस इज क्या होगा, एक्यूरेट वैल्यू, आई मीन ए, और ए क्या है, दिस इज एरर, आई मीन दिस इज क्या है, डेल्टा वी टू। अपने को क्या कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है कि सम एंड डिफरेंस इन वॉल्यूम। तो सम ऑफ वॉल्यूम कितना होगा आप बता सकते हो, सम ऑफ वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपल क्या करो तुम, ऐड कर दो यार, है ना। तो पहले क्या करो, डेल्टा वी कैलकुलेट कर लो, डेल्टा वी क्या होगा देखो। तो पहले अब सम कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा वी, आई मीन एरर इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, ये क्या हुआ, डेल्टा वी, ठीक है, समझ में आया ना। डेल्टा वी क्या होगा, मेजरमेंट, आई मीन एरर इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ बोथ द बॉडीज, ठीक है। डेल्टा वी लिखोगे तो क्या लिखोगे, डेल्टा, अरे यदि मुझे सम लिखना हो तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, सम यदि लिखना हो, यदि इसको हम लिख देते हैं वी एस, आई मीन सम ऑफ वॉल्यूम, तो हम क्या लिखेंगे, वी वन, आई मीन क्या लिखेंगे, देखो इसको मैं वी वी नट वन और ये क्या है वी नट टू कंसीडर कर लेता हूँ, तो हम क्या लिखेंगे, वी नट वन प्लस वी नट टू और प्लस माइनस क्या लिखेंगे, डेल्टा वी। डेल्टा वी आपको समझ में आया ना, कि इन दोनों के सम, इन दोनों में आई मीन इसका मुझे क्या करना है, वैल्यू निकालना, डेल्टा वी का। तो डेल्टा अब देखो तो वी वन प्लस वी टू आई मीन यही क्या हुआ, सम, और ये क्या हुआ, एरर हो गया, दिस इज नथिंग बट द सम ऑफ, आई मीन सम ऑफ वॉल्यूम, एरर इन सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू बॉडीज, तो क्या हुआ, एरर, ए एक्यूरेट रीडिंग होगा। तो यहां हम लिखेंगे वी एस इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो इसको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, 16.6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा वी। अब डेल्टा वी कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो डेल्टा वी वन और डेल्टा वी टू दिया हुआ है, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उनको लिख सकते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा प्लस माइनस यहां लिख लेंगे, मैक्सिमम लिखते हैं हमेशा डेल्टा
वी वन प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा वी टू, यही होगा ना। या वैल्यू रख दो तो आपको मालूम चल जाएगा कि दोनों के सम में क्या ये हुआ। तो हम क्या लिखेंगे वी एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 16.6 प्लस माइनस, अब इसका वैल्यू रख दो ऐड करके कितना आएगा, देख रहे हो ना कितना आएगा, देखो दिया हुआ है तो ये ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 0.03 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आपके आपको क्या करना है, ये एक्जेक्ट वैल्यू होता है और ये एरर होता है, तो एरर हम क्या करते हैं प्लस माइनस कर देते हैं। उसी तरह दूसरा जो है क्या है डिफरेंस में, तो वी डी आई मीन डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम क्या लिखोगे, अगेन वी वन माइनस वी टू लिख लो, है ना, वी वन माइनस वी नट, वी नट वन माइनस वी नट टू, है ना, प्लस माइनस क्या लिखोगे डेल्टा वी, वही लिखोगे ना यार। तो अब हम क्या करेंगे प्लस माइनस क्या लिख देंगे डेल्टा वी, और एरर इसमें हमेशा क्या करना है इसको क्या करना है ऐड कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा देखो ध्यान से 10 आई मीन कितना हो जाएगा, तो ये 12 4, तो आई मीन कितना हो जाएगा 12 8, और ये कितना हो जाएगा 9, तो 3.8 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 0.03, यही क्या हुआ तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आंसर हो गया 3.8 प्लस माइनस। तो हम क्या करते हैं डिफरेंस हमेशा ये जो दिया हमेशा प्लस माइनस के बाद वाला जो दिया रहेगा आपको क्या याद रखना है, क्यों क्या होता है एरर होता है। तो जब भी क्या करना है कि सिंपल क्या करना है सम और डिफरेंस में एरर निकालना है, तो एरर कैसे कैलकुलेट करोगे, दोनों के एरर का क्या करना है सम, ये डिफरेंस के लिए हमेशा याद रखना है कि एरर इन मेजरमेंट ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी क्या होगा सम ऑफ देयर एरर्स होगा, प्लस माइनस सम ऑफ देयर एरर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो क्या है एरर इन प्रोडक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, तो प्रोडक्ट में हम कैसे एरर कैलकुलेट करेंगे इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि एरर यदि पावर के टर्म में दिया होगा तो एरर कैसे करते हैं, एरर इन प्रोडक्ट ध्यान देना है। देखो तो दूसरा जो है इसमें क्या है एरर, एरर इन क्या होगा प्रोडक्ट। ठीक है, अब जैसे देखो y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू a इंटू क्या दिया हुआ है b दिया हुआ है, अगेन क्या है इसमें a में के रीडिंग में कुछ एरर मेजर्ड होगा तो हमने सॉरी एरर होगा तो उसको हमने क्या माना डेल्टा a, तो हम यदि कंसीडर कर लें कि अगेन क्या लिखें कि डेल्टा y इज द क्या होगा एरर, एरर इन क्या होगा मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ क्या होगा y, डेल्टा a इज इक्वल टू क्या होगा एरर इन मेजरमेंट ऑफ क्या होगा a, डेल्टा b क्या होगा एरर इन मेजरमेंट ऑफ क्या हो जाएगा b, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि y प्लस माइनस क्या लिखेंगे डेल्टा y इज इक्वल टू क्या होगा a, a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू क्या होगा b प्लस माइनस क्या होगा डेल्टा b, यही होगा। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे देखो ध्यान से, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा देखो, तो a b प्लस क्या हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा b सॉरी b इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा a, यही होगा। इससे मल्टीप्लाई किया फिर लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा b सॉरी a डेल्टा b, है ना, और उसके बाद लिखेंगे कि प्लस माइनस डेल्टा a इंटू क्या होगा डेल्टा b। अब देखो एरर ऐसे ही बहुत छोटा होता है तो ये वाला जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो a ऐसे आ जाएगा क्या होगा कि y प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल टू, ये समझ में आया ना डेल्टा a इंटू डेल्टा b क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि डेल्टा y क्या होगा y प्लस माइनस क्या होगा डेल्टा y इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी, ठीक है, और यहाँ लिख सकते हैं देखो क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस क्या लिख सकते हैं
बी बी डेल्टा ए प्लस क्या लिख सकते हैं ए डेल्टा बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं वाई लिख सकते हैं, तो वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या होगा वाई प्लस माइनस, है ना। ऐसे आप चाहो तो देखो यहाँ फोर रीडिंग होगा फोर डिफरेंट रीडिंग, हर जगह हम प्लस माइनस कंसीडर करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छा इसमें फ्रैक्शन एरर हमको कंसीडर करना है, ठीक है। तो देखो ये कितना होगा, यहाँ भी प्लस माइनस तुम लिख लो, है ना, यहाँ बाद में हम आएंगे, ठीक है। ये कितना होगा वाई, यहाँ क्या होगा बी डेल्टा ए प्लस माइनस क्या होगा, हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में हम डायरेक्ट लिखते हैं ए डेल्टा बी, ठीक है। ये वाई वाई क्या हो गया कैंसिल हो गया, है ना। अब यहाँ से मुझे बेसिकली क्या है, सिंपल एरर मालूम चल गया कि वाई में कितना एरर होगा। तो अगेन यहाँ देखो अभी क्या हुआ डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ भी आप लिख सकते हो डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो प्लस माइनस बी इंटू क्या होगा डेल्टा ए प्लस क्या होगा ए इंटू क्या होगा डेल्टा बी। अब मुझे क्या करना है, फ्रैक्शनल एरर जनरली क्या होता है कैलकुलेट करना, परसेंटेज एरर दिया रहेगा कि ए में 2% एरर है बी में 3% एरर है, तो आप इसको क्या करोगे कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, अब फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालते हैं, इनिशियल वैल्यू से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो इनिशियल वैल्यू से आप क्या करो दोनों तरफ डिवाइड कर दो, दोनों तरफ क्या करोगे डिवाइड कर। अब वाई के जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो ये क्या हुआ डेल्टा वाई अपॉन वाई, ये फ्रैक्शनल एरर इन क्या हुआ वाई, और यहां आप ए बी रखोगे तो देखो प्लस माइनस क्या हो गया बी डेल्टा ए अपॉन ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन क्या होगा ए बी, है ना। तो ये क्या हुआ डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन क्या हुआ बी। तो दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ फ्रैक्शनल एरर इन ए। यहाँ फोर केसेस पॉसिबल है, क्या है फोर केसेस पॉसिबल है, देखो ध्यान से। अब मैं डायरेक्ट मैक्सिमम एरर लिख देता हूं, फोर केसेस मैं नहीं लिखूंगा, आप देख सकते हो यहां से। तो दिस इज नथिंग बट द क्या होगा फ्रैक्शनल एरर इन वाई, दिस इज फ्रैक्शनल एरर इन ए, दिस इज फ्रैक्शनल एरर इन बी। तो समझ में आया ना, तो अब हम यहां लिख सकते हैं कि क्या होगा डेल्टा वाई अपॉन वाई, तो हम यहां लिख देते हैं कि डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन क्या होगा बी। दिस इज फ्रैक्शनल एरर, याद रखना फ्रैक्शनल एरर हम तभी कैलकुलेट करेंगे, सॉरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वहां मेजर दिया हुआ था वो अलग कॉन्सेप्ट था, यहाँ क्या है कि चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल। आपने परसेंटेज पढ़ा है 10th class या 9th class या 8th class में परसेंटेज का क्वेश्चंस पढ़े होंगे, तो जनरली हम क्या करते हैं चेंज डिवाइडेड बाय क्या कंसीडर करते हैं इनिशियल वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो उसी तरह क्या है फ्रैक्शनल एरर इन क्या होगा वाई, क्या होगा वाई, ये क्या होगा दिस इज नथिंग बट द फ्रैक्शनल एरर इन क्या होगा ए, दिस इज नथिंग बट द फ्रैक्शनल एरर इन क्या होगा बी। अब आता है परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर हम कैसे दोनों तरफ हम क्या करें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या होगा देखो ध्यान से हम लिख सकते हैं परसेंटेज क्या लिखेंगे डेल्टा वाई अपॉन वाई, ठीक है, प्लस माइनस इंटू 100 लिख रहा हूँ इंटू 100, ठीक है, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या हुआ परसेंटेज एरर इन वाई, दिस इज नथिंग बट द परसेंटेज एरर इन क्या होगा वाई इज इक्वल टू क्या होगा, देखना ध्यान से, डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू क्या होगा 100, और इसी को लिख सकते हैं परसेंटेज एरर इन ए प्लस क्या होगा परसेंटेज एरर इन बी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस माइनस परसेंटेज एरर
एरर इन ए, ठीक है, प्लस माइनस परसेंटेज एरर इन क्या होगा बी, ठीक है। अब यहां क्या हुआ, ए और बी में आपको एरर मालूम चल गया। अब हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर जब भी पूछा जाए याद रखना है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, तो केवल हम क्या करते हैं, फोर केसेस हो सकते हैं, फोर एरर पॉसिबल है, देखो ध्यान से। तो हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, मैक्सिमम फ्रैक्शनल, देखो ये मैं नहीं भी लिखूं तो आपको याद रखना है कि क्या है, प्लस माइनस नहीं भी लिखता हूं तो आपको याद रखना है कि जो हम एग्जैक्ट वैल्यू लिखेंगे वहां एरर क्या होता है, प्लस भी हो सकता है और क्या हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन क्या होगा, वाई इज इक्वल टू क्या होगा, देखो प्लस माइनस, ठीक है, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी। और यहां लिख देता हूं मैक्सिमम परसेंटेज एरर, मैक्सिमम परसेंटेज परसेंटेज एरर इन क्या होगा, वाई इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस परसेंटेज एरर इन क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू क्या होगा, 100, ठीक है। आई मीन सभी को क्या करना है, ये कर देना। और फिर हम क्या करेंगे, यदि फाइनल रिजल्ट में हम क्या करेंगे, इस एरर को ऐड कर देंगे और ओरिजिनल जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, यदि क्या है डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे इसको, ओरिजिनल जो वैल्यू वाई का होगा वो क्या होगा, वाई प्लस क्या हो जाएगा, ये वाला एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद एरर इन डिवीजन में पढ़ लो, उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स एक और देखेंगे, ठीक है। तो एरर इन डिवीजन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बस यही कॉन्सेप्ट है, वहां भी दूसरा कुछ नहीं है। तो आप देखो कि एरर इन डिवीजन क्या होगा, एरर एरर इन डिवीजन ठीक है। तो चलो इसके बाद हम देखेंगे क्या है, एरर इन डिवीजन जो होगा वो क्या है, बाद में इसके नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एरर इन डिवीजन, एरर इन पावर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के क्लास के लिए बस इतना ही, ठीक है, ओके, थैंक यू।